सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड सोशल चैनल को हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए और दबाइए बगल में दिए हुए बेल आइकन को जिससे आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस बेबी कैरी बैग का इस्तेमाल कैसे करें बच्चे को संभालने में। आप सिंगल हैं तो भी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं सारे ही स्टेप बताऊंगा, किस एंगल से क्या चीज़ करना चाहिए और किस एंगल से क्या चीज़ करना चाहिए। ये सारा कुछ आप बिना किसी की सहायता के कर सकते हैं। कहीं अगर बाहर है तो भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये वाला बैग मैंने अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया था। तो ये बैग है, इस तरह से इसको रख लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है बिल्कुल। और जो स्टिचेज खुले हुए हैं उन्हें खुला हुआ छोड़ दीजिए, जो बंद है उसे बंद छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि आपको बेबी को इस वाले स्ट्रिप्स के ऊपर सही तरीके से रखना है। तो यहाँ पे बच्चे को रखना है, बेबी को, मेरा बाबू है ये और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। अकेले ही दिखाऊंगा कि अकेले किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं और कितना जेन्युइन प्रोडक्ट है ये, कितना अच्छा। मतलब एक आप जब सोचते हैं इस तरह के कैरी बैग के बारे में तो आपको अजीब सा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे बच्चे को होगा, मैं मजाकिया तो नहीं लगूंगा या दुनिया क्या कहेगी या दूसरे लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आप इसे कर लेंगे तो आप इतने स्मार्ट लगेंगे ना कि दुनिया भी कहेगी कि भाई एक हम भी खरीद ले रहे हैं। तो ये देखिए ये करके, और बच्चा जितना गोद में कंफर्टेबल नहीं होता है उससे ज़्यादा इसमें कंफर्टेबल होता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए पैर को जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आपको ऐसे ही पैकिंग करनी है पैर को, और ये सारी चीज़ें पैर के बीच में कर लीजिए। और बीच में जो ये है ना, बच्चे को जो बैठता है बच्चा तो वहाँ पर बिल्कुल भी दबता नहीं है, इतना स्पंज लगा हुआ है, इतना चीज़ लगी हुई है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और मतलब बहुत ही मुलायम रहता है। तो यहाँ पे बच्चे को ऐसा कर लेंगे। सारी चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको इसी स्टेप को करते जाना है। और आप चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप घर में भी हैं, कपड़े सुखाने जा रहे हैं, किचन में हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो आप बेबी को साथ में लेके रह सकते हैं आसानी से। लेकिन बेबी कम से कम 3 महीने का तो हो ही जाना चाहिए। वैसे तो इसे 2 महीने से भी यूज करने की सलाह काफ़ी लोग देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 2 से 3 महीने के बाद ही करना चाहिए। कई बार 2 महीने पे भी कर लेना चाहिए और बेबी स्वस्थ है, सही है, एक्टिविटी उसकी सही है, नॉर्मल है, स्वस्थ है तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो अपने बेबी को 2 महीने पे से ही यूज करना स्टार्ट कर दिया था इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 से 3 महीने तक इसलिए अवॉइड करने को कहते हैं लोग क्योंकि बेबी की जो गर्दन होती है ना वो मूव नहीं करती अपने आप, और बेबी झटके लेता है या एक तरफ गर्दन झुकी रहती है, आगे पीछे गर्दन होने का डर रहता है। इसलिए 2.5 से 3 महीने में क्या होता है, बच्चा अपने गर्दन को मूव करने लगता है, खुद को संभाल लेता है बच्चा, गर्दन अपने आप हिला लेगा, उसको संभाल लेगा, मजबूत हो जाएगा वो। तो उसके बाद यही मेन कारण है। तो अब ये मैंने पैक कर दिया आपके सामने और मैंने इसको केवल बच्चे को इसमें रखा है, बच्चे की पैकिंग करी। अब मैं इसे अपने ऊपर पैकिंग करके दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे लेता हूँ। तो जैसे बैग होता है ना, पिट्ठू बैग होता है, जैसे आगे से टांगते कभी कभी पिट्ठू बैग, उसी तरह से आगे से पहले कंधे में टांग लें और फिर दूसरे कंधे में टांग लें, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने दूसरा भी टांग लिया। अब क्या है, जैसे बैग दोनों कंधे पर टंग जाता है तो छोड़ देते हैं तो बैग वैसे ही रहता है इस तरह से। तो अब बेबी को, अब आपके दोनों हाथ फ्री हो गए। अब क्या है कि आपको अपनी वेस्ट बेल्ट लगानी है, यानी कमर पेटी लगानी है जो इसके साथ आई हुई है। ऐसे भी रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें दी गई हैं वो सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिससे कोई हादसा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये बेल्ट है कि बच्चा आगे पीछे ना हो, पेट से ही चिपका रहे, ठीक है। तो ये बेल्ट लगा लेंगे, या ऊपर से जब कंधे से अगर बेल्ट सरक भी जाती है ना ऊपर वाली कंधे वाली, तो भी नीचे से वो पकड़ी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 3 तरफ से सपोर्ट हो गई बच्चे को, दोनों कंधों से और अपनी कमर की बेल्ट से। तो इस तरह से अकेले ही ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं।
और ये बच्चे को मैंने आगे लिया हुआ है। चाहे तो आप बच्चे को पीछे भी ले सकते हैं, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप पीछे भी ले सकते हैं, अगर बाइक चला रहे हैं तो, कार ड्राइविंग कर रहे हैं, नहीं बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं तो आप पीछे भी ले सकते हैं और आगे भी ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग इसे आगे ही बच्चे को लेना यूज करते हैं, क्योंकि अपने हाथ से उसे संभालते भी रहते हैं, उसकी एक्टिविटी भी देखते रहते हैं। अब ये जो बेल्ट है, उस दूसरे कंधे वाली बेल्ट से जाके लॉक लगाना है, जिससे अगर आप झुकते भी हैं, अपने पैर के जूतों को भी पहुंचते हैं ना, अपने पैर के जो जूते में जो फीता होता है उसे भी बांधते हैं, तो भी ये कंधे पे से सरके नहीं, नीचे नहीं गिरे और बच्चा नीचे नहीं लटके। तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई, अब आप कितना भी झुक सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें, बच्चा नहीं जाएगा और ना ही बच्चा डरेगा, बच्चे को डर नहीं लगता। दूर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। तो इस तरह से ये चारों तरफ से लॉक हो गया, लेकिन जब काम हो तभी झुकना चाहिए थोड़ा बहुत, और नहीं तो आप झुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चे को लेके। भाई पहले ही सारी चीज़ें कर लीजिए, जूते पहन लीजिए, सारी चीज़, लेकिन अगर कहीं बाई चांस रास्ते में या कहीं भी झुकना पड़ जाए, कुछ चीज़ गिर जाती है, उठाना पड़ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे को मैं पास से दिखा रहा हूँ, बच्चा कितना हैप्पी है इसके अंदर, और बच्चे के गर्दन के पीछे देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है से, और ये दे रखा है बच्चे का कैरी, इसमें आप दूध की बोतल या बच्चे का छोटा मोटा जो सामान होता है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। और ये इतना मोटा और इतना स्पंजी होता है कि बिल्कुल सही होता है, आपको साइड से दिखा दूँ, बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, उसकी सांस लेने की जगह रहती है, मुंह उसका नहीं भिजता, शरीर नहीं भिजता, और बच्चा बहुत ही एक्टिव महसूस करता है इसमें नीचे से भी। अगर कहीं से बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो आपको पता लग ही जाता है कि कहीं पे कुछ दबा तो नहीं है। तो ये देखिए साइड से कुछ नहीं दबा है, ये मैंने बिल्कुल सही तरीके से पैक किया, आप इसको देख लीजिए, और अगर पैकिंग बच्चे की करें तो इसको बार बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिए कि ये देखिए बच्चे का पैर इस तरह से निकला होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चा कितना मज़े में है, पैर हिला रहा है, तो इस तरह से पैकिंग होनी चाहिए कि बच्चे को कहीं भी इससे कसाव ना हो, ढीला रहे, क्योंकि जितनी बेल्ट दे रखी हैं ये सब ढीली कर सकते हैं आप, बड़ी छोटी टाइट कर सकते हैं, तो आराम से इससे बाइक से जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अगर ट्रैवल करने जा रहे हैं ना किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे तो भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हो वहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये पसंद आए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।